नकली भारतीय वेबसाइट हर स्वाद के लिए लड़कियां एक तूफान को ऊपर उठती है। स्टे अंकल एक वेबसाइट जो अविवाहित जोड़ों को परेशानी के बिना होटल में बुक करने में सक्षम बनाता है। खतरनाक साइट stayled.com को शुरू किया। ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे एक सेक्स वर्कर की खरीद के लिए भी अनुरोध करें। देश में सेक्स तस्करी से निपटने की चुनौती को उजागर करते हुए हर स्वाद और जेब को पूरा करने के लिए लड़कियों की एक फर्जी वेबसाइट ने 1000 सेकंड ज्यादा ग्राहकों को अपने पहले दिन में जोड़ा। स्टे अंकल एक वेबसाइट जो अविवाहित जोड़ों को परेशानी के बिना होटल में बुक करने में सक्षम बनाता है। खतरनाक साइट stayled.com को शुरू किया। ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे एक सेक्स वर्कर की खरीद के लिए भी अनुरोध करें। स्टुवेनिकल के संस्थापक संचित सेथी ने थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन को बताया कि हम लोगों से हर महीने लगभग 3000 कॉल मिलते हैं जो एक कमरे के साथ साथी के लिए पूछ रहे हैं। हम चाहते थे कि लोगों को यह देखना होगा कि तस्करी की समस्या कितनी असली है, पीड़ितों पर कैसे असर पड़ता है। हमारी समझ में नकली वेबसाइट बनाने की तुलना में कोई बेहतर तरीका नहीं था। यह केवल तकनीक के माध्यम से है जिससे आप जनता तक पहुंच सकते हैं। एयर बैंक जैसी होटल और घर की किराए की सेवाएं तस्करी से निपटने के लिए उपायों की शुरुआत करती हैं, क्योंकि उनकी संपत्तियों को कमजोर महिलाओं और लड़कियों का फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8000 सेकंड अधिक मामलों की सूचना मिली, जो पिछले साल 20% अधिक था। सरकारी आंकड़े बताते हैं एक दर्जन लड़कियों और उनके शारीरिक गुणों के बारे में सूचीबद्ध वेबसाइट। उन्होंने कहा कि कुछ स्वेच्छा से शामिल हुए हैं जबकि अन्य विश्वसनीय भारतीयों जैसे असम और पश्चिम बंगाल जैसे भारत के दूर दराज के क्षेत्रों से खरीदे गए थे और बड़े सपने का वादा किया। ले जाना आसान कभी नहीं हो सकता है, यह वादा किया था। ग्राहकों को तब एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें समझाया गया कि हजारों महिलाओं को देश में यौन गुलामी के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे परिवर्तन के बारे में अधिक जागरूकता पैदा हो सकती है। ग्रामीण इलाकों के कई गरीब शिकारियों ने अच्छी नौकरियों के वादे के साथ तस्करों को लुभाया है, केवल खुद को वेश्यालयों को बेचने, खेतों या ईंट भट्टों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, या घरेलू कामगारों के रूप में घरों में गुलाम बनाते हैं। stayled.com की हर स्वाद के लिए उपयुक्त, हर मांग और हर जेब के लिए अनुकूल लड़कियों की पेशकश ने सोशल मीडिया पर मजबूत प्रतिक्रियाओं को उकसाया। हैशटैग स्टॉप वेमेन ट्रैफिकिंग के साथ ट्विटर पर चलने वाले मंगलवार की रात तक यह आश्चर्यजनक था कि लोगों ने ट्विटर पर इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन तथ्य यह है कि लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। 29 वर्षीय संदीप सेठी ने कहा 2015 में लॉन्च किया गया स्टोनिकल पूरे देश में लगभग 900 पार्टनर होटल में आवास की तलाश में गोपनीयता भूखे प्रेमियों में मदद करता है। हसीना खरबे आतंकवाद से जुड़े दानधर्मा के संस्थापक इम्पल्स इन जियो नेटवर्क ने स्टुवेनिकल को स्थापित प्रचारकों के साथ और अधिक बारीकी से काम करने के लिए कहा। उनका विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन कल रात विरोधी आतंकी क्षेत्र में बहुत भ्रम हुआ था कि क्या यह वास्तविक था, उसने कहा।